हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप अच्छे ही होंगे। आज ये देखिए, मैं एक न्यू पैटर्न लेकर आई हूँ, क्रोशिया से बना हुआ, जो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। ये किसी भी प्रोजेक्ट पे इस्तेमाल कर लो, कार्डिगन वगैरह बना लो, स्वेटर वगैरह बना लो। आजकल सर्दी स्टार्ट हो गई है तो क्रोशिया से स्वेटर बनाइए, बहुत ही अच्छे लगते हैं। देखो, ये दोनों साइड से एक जैसा होता है, इस साइड भी ये ऐसा ही है और इस साइड भी ऐसा ही दिखाई देता है। ये देखो, किसी भी तरफ से सीधा बना सकते हैं। ये पैटर्न बहुत सुंदर लगता है कार्डिगन में। ये देखिए, इसमें पहले हम चैन बनाएंगे। इसमें मैं 10 नंबर का क्रोशिया यूज़ कर रही हूँ, 10 नंबर का, और ये वुलन है। इससे मैं ये पैटर्न बनाना सिखा रही हूँ आपको। मेरा पैटर्न अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलना, लाइक ज़रूर कर दिया करें। फ्रेंड्स, जो भी कोई मेरे चैनल पर नया आया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, जिससे कि मेरी नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये देखिए, पहले हम इस तरह से चैन बनाना स्टार्ट करेंगे। ये 8 के मल्टीपल फंदे इसमें चलते हैं, 8+8+ स्टिचेस लिए जाते हैं। तो ये देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30। मैंने 30 चेन बना ली है। अब एक चेन एक्स्ट्रा और बनाइए। अब देखो, पहली चेन में से ही हम सिंगल क्रोशिया बना के कंप्लीट करेंगे। इस तरह से पूरी रो में, फर्स्ट रो में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फ्रेंड्स, इसी तरह सिंगल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट रो में मैंने सिंगल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर ली है। अब सेकंड रो में देखिए, 1, 2, 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन बनाने के बाद देखो, इस तरह से इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 4 इसको लगा के 5 हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 5 डबल क्रोशिया बना लिए। अब हम एक चैन बनाएंगे। ये देखो, 1, 2, 3 से 4 होल में से हम इस तरह से एक लूप बनाएंगे। 1, 2, 3, 3 लूप बनाएंगे। 3 लूप बनाने के बाद इस तरह से हम एक बबल्स बनाएंगे। फिर 1, 2, 3 चैन बनाएंगे। फिर देखो, इसी में से फिर दूसरा बबल्स बनाएंगे। ऐसे 3 लूप बना के, इस तरह 3 लूप बनाने के बाद इस तरह से एक बबल्स बनाएंगे। फिर 3 चैन बनाएंगे, 1, 2, 3 चैन बनाएंगे। फिर इसमें से एक और बबल बनाएंगे, 2, 3, 3 लूप बनाने के बाद इस तरह से। फिर देखो, एक चैन बनाने के बाद फिर 1, 2, 3, 4 होल में हम इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2 डबल क्रोशिया, 3, 4। देखिए फ्रेंड्स, 4 डबल क्रोशिया बना लिए हमने। बीच में भी हमको ये 5वां डबल क्रोशिया, 5 इस तरह से 5 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। फिर एक चैन बनानी है। देखो, 1, 2, 3, 4 चौथे उसमें से हमको होल में से इस तरह से लूप बनाने हैं। 1, 2, 3,
चार, चार लूप बनाए इस तरह से हमने, ऐसे बबल्स बनाया। फिर एक दो तीन चैन बनाएंगे, फिर बबल्स बनाएंगे ऐसे, एक दो तीन लूप बनाने के बाद हम ऐसे बबल्स बनाएंगे, फिर एक दो तीन चैन बनाएंगे, फिर लूप बनाएंगे, तीन और इस तरह से बबल्स बनाएंगे, फिर एक चैन बनाएंगे, फिर देखो एक दो तीन चौथे, चौथे उसमें से हम इस तरह से एक डबल क्रोशे बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच, पांच डबल क्रोशे बनाएंगे हम यहाँ लास्ट में। इस तरह से हमारा पूरा पैटर्न इस तरह से चलेगा। सेकंड रो में हमको ऐसे बनाना है और ये देखिए, फिर हम तीन चैन बनाएंगे, एक दो तीन, देखिए फ्रेंड्स अब ये थर्ड रो में हम तीन चैन बनाने के बाद इस तरह से नीचे वाले डबल क्रोशिया में से इस तरह डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक ऐसे दो, फिर से ये बबल्स बनाएंगे, ये देखो तीन बबल बनाएंगे यहाँ भी, जैसे फ्लावर जैसा बन जाता है, एक दो तीन, हाफ फ्लावर जैसे बन जाएगा। इस तरह से फिर ये देखो नीचे से हम ऐसे डबल क्रोशे बनाएंगे। ये फ्रेंड्स रिपीट पैटर्न हो रहा है, जैसे नीचे हमने एक बार बनाया था उसी तरह ये हमको बनाने हैं। इस तरह से ये पूरा पैटर्न ऐसे चलेगा, बार बार इसको रिपीट करते जाएंगे। तो ये देखो बार बार रिपीट करने से हमारे पास ऐसा बन के तैयार हो जाएगा। इस डिजाइन में बहुत अच्छा कार्डिगन लगता है, कार्डिगन बनाए, स्वेटर बनाए, बच्चों के फ्रॉक्स वगैरह बनाए, बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। Thank you. Bye-bye.